तो ये आ गया जी अपना होटल फीविटेल फीविटेल होयान। दिस होटल हैज फूड ऑप्शंस व्हिच अ नॉर्मल एवरेज इंडियन कैन ईट। पेंटिंग है हमारे बेडरूम की विच इज होयान एंशिएंट टाउन। होयान एंशिएंट टाउन में आपको ऐसे ही घर मिलेंगे येलो कलर के। तो ये लैंटर्न्स भी दिखेंगे वहां पे, लैंटर्न मार्केट, लैंटर्न बोट्स। रूम इज वेरी गुड, बड़ा सा कमरा है यहाँ पे, बाथरूम, वॉशरूम इज ऑल्सो नाइस। ये शावर एरिया, तो कुछ है यहाँ पे, ब्रश, कॉम्ब, शेविंग किट, पानी है ऑफकोर्स, अंदर में शार्जल एंड शैम्पू। ये मिनी बार है, और देखते हैं मिनी बार में क्या है। ट्रांसपेरेंट मिनी बार है, इसमें बियर, कोक एंड पानी। और ये बेड हमारा सुंदर सा बेड, टी सेट। और ये है हमारी छोटी सी बालकनी। तो पीछे ये समुंदर का व्यू आ रहा है। तो ये साइड का है, अगर फ्रंट रूम मिलता तो एकदम फ्रंट का व्यू आएगा, बट वो व्यू हम ऊपर जाके फ्लोर टॉप फ्लोर से जहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ से वो व्यू लेंगे। यहाँ पे इस एरिया में भी शांति दिख रही है बीच एरिया में, बट वो फिला जहाँ पे था उससे थोड़ा बेटर व्यू लग रहा है यहाँ पे मुझे। मतलब वो अपनी जगह, वो जिसका प्रेफरेंस है वो अलग है, उसका अलग एक मज़ा है, व्यू है। यहाँ पे एक अलग मज़ा है, मुझे वैसे भी बीचेस ज़्यादा पसंद है, तो सी व्यू बीच पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ का नाइट देखते हैं कि बीच पे नाइट या फिर इवनिंग में कैसा क्राउड रहता है, कैसा मार्केट रहता है, कैसा व्यू रहता है, वो शाम को देखते हैं। अभी तो 2 ही बजे हैं, 2 बजे हमने चेक इन कर लिया है, थोड़ा सा अभी आराम करते हैं, देन विल सी। थोड़ी देर तनिक सुस्ताने के बाद अभी हमने होटल रूम में ही, होटल से ही खाना ऑर्डर किया था, अभी बाहर जाने का मन नहीं था, और हमने ऑर्डर किया एग राइस और चिकन नूडल सूप। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन तो खाने का बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो हम लोग खाते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं सबसे पहले स्टिकी राइस, ये एग फ्राइड राइस। गुड, फ्राइड राइस तो अच्छा है। अभी थोड़ा नूडल सूप ट्राई करके देखते हैं, चिकन नूडल सूप। क्वांटिटी तो सूप की तो इट्स अ फोर, बट अभी वो सूप को नूडल्स बोल रहे हैं। एकदम प्लेन है, इसमें अभी हम सॉस डालेंगे और इसको इंडियन बनाएंगे, इसको थोड़ा इंडियन वर्जन करेंगे, और थोड़ा सा लेमन भी दिया उन्होंने, तो वी कैन ऐड लेमन आल्सो। This order has food options which a normal average Indian can eat. Which a normal average Indian can eat. ये पीछे है हमारा होटल होयान में, जो दूसरा वाला अभी आपने रूम टूर किया,
इसका नाम है फिविटल होटल। ये कुआ दाई बीच के पास में है, यहाँ से बीच बस 6-7 मिनट का वॉक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि स्कूटर का जो रेंट है यहाँ पे वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वैरी करता है, तो वहाँ पे 2 लाख वो लोग बता रहे थे बिला वाले, अगर फुल डे का लेना है एक दिन के लिए, और यहाँ पे है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के लिए हमने इनको बोल दिया है, वो हमारे लिए स्कूटर अरेंज कर रहे हैं, तब तक हम थोड़ा बीच से होके आते हैं। और काफ़ी शांत एरिया है बीइंग कि ये बीच के पास में है, बट काफ़ी शांत एरिया है। होटल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, और हमारा होटल भी जो हमारा जिस प्राइस रेंज में हमने लिया है काफ़ी अच्छा होटल है, और व्यूज़ भी वहाँ से अच्छा है, फूड भी अच्छा था जो हमने अभी खाना ऑर्डर किया था, प्राइस भी रीज़नेबल था। हमने 2 डिशेज ऑर्डर किए थे, हमको लगा अमाउंट 1 लाख 60,000 VND मतलब अराउंड 550-550 के आसपास, विच इज़ अ गुड, एंड क्वांटिटी भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। एंड जो मिनी बार दिया है उसमें भी प्राइस रीजनेबल था, और जो विला में प्राइस था वो प्राइस ज़्यादा था। तो बाइक रेंट के लिए होटल ने हमें भी बोला है कि वो 20 मिनट में अरेंज करेंगे, तो तब तक हम थोड़ा बीच का मज़ा ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम बीच साइड एक्सप्लोर करेंगे। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी शांति है यहाँ पे। एक छोटा सा बीच है जो मैंने कुआ दिया ऐसा करके कुछ बीच है, एग्जैक्ट नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा बाद में। तो ये एक छोटा सा बीच है, बहुत ही काइंड ऑफ प्राइवेट टाइप लग रहा है, क्यूट है, और ज़्यादा क्राउडेड है नहीं है, कुछ ही लोग हैं बस जो नहा रहे हैं। और ये जो समुंदर है ये है ईस्ट वियतनामी सी। नो कोकोनट, या ये है ईस्ट वियतनामी सी, और इससे बहुत दूर आगे जाके मिलेगा आपको चाइना। यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं, छोटे मोटे हैं यहाँ पे वेंडर्स, कोकोनट के लिए आपको बोलेंगे, अदरवाइज वैसा और कुछ नहीं है, क्लीन भी है और कोई डॉग वगैरह कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ। GoPro अभी तक चल रहा है, 6 बजने वाले हैं, 6 बजे के बाद तो ये जुगनू हो जाता है ना, GoPro को दिखना बंद हो जाता है, बट अभी चल रहा है। अभी हम लोग अपना छोटे से बीच से थोड़ा मस्ती कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं होटल, वहाँ थोड़ा कपड़ा चेंज करेंगे एंड देन स्कूटर लेंगे, फिर घूमेंगे, दैट्स इट, इतना सा ही प्लान है हमारा अभी का। राइट नेक्स्ट टू द बीच, इन फ्रंट ऑफ बीच, और शांति भी, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम ही मिलता है। और ओवर प्राइस नहीं है, ग्रैब टैक्सी इजीली अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो चलिए बात करते करते होटल भी आ गया सामने,
फाइनली हमने आज लैंटन बोट राइड किया, इट वॉज मैजिकल। बारिश स्टार्ट हो गया है तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने होटल के लिए। राइड हमारा हो गया, लैंडिंग के साथ फ़ोटो भी ले लिया। अभी हम होटल जाएंगे वापस और अपने उसी एरिया में डिनर करेंगे और आज का दिन का एंड ऐसे ही करेंगे। और ये ब्लॉग हम अपना यहीं एंड कर रहे हैं, कल फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाते देते रहिए। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।